हाय दोस्तों, आज मैं यहाँ का फेमस ट्रेडिशनल डंपलिंग खाने जा रहा हूँ जो कि यहाँ बहुत इजीली मिल जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम इंडिया में डंपलिंग्स को मोमोज बोलते हैं, बट यहाँ चाइनीज़ में चाउजर बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ का चाउजर कैसे होता है, तो चलिए मेरे साथ। अभी हम बस स्टॉप जा रहे हैं। ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, आप देख सकते हो। हम एक मॉल के अंदर आ गए हैं जहाँ बहुत अच्छा चाउजर मिलता है। ये रहा हमारा डंपलिंग्स का काउंटर। ये हमने 23 युआन भरा हुआ है फॉर 20 पीसीस ऑफ चाउजर के लिए। आपको यहाँ बहुत सारे डंपलिंग्स के वैरायटीज मिल जाएगी। जैसे देखो, आप देख सकते हैं, एक जोशा जितांग चाउजर है, चूरो चाउजर है। चाउजर वो लोग मोमोज को बोलते हैं। देखो ये रहा, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज है यहाँ पे। मेरा चाउजा बन रहा है। जैसे कि आपको बता होगा कि हम लोग इंडिया में मोमोज के साथ स्पाइसी टमाटो चटनी खाते हैं और ग्रीन चटनी खाते हैं, और साथ में हमें कुछ सलाद मिलता है प्याज वाला, बट यहाँ पे आपको यही मिलेगा। ये देखो, चिली फ्लेक्स का ऑयल रहेगा और गार्लिक का पानी रहेगा, और ये देखो ऑयल रहेगा, और ये बालसमिक विनेगर रहेगा। और देखो बना रही है फीलिंग दे रहा। देखो इसने यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, गर्म पानी में डाल दिया है। दस मिनट में मेरा चावसा बन जाएगा। जैसे कि इसका जावजा हो गया, तो चलिए पेस्ट को लिया। ये विनेगर है। मैं भी अपने लिए लेता हूँ, ये लिया।
मेरा दोस्त आ गया, मेरा चाव सर। डोंट वरी बी हैप्पी 62%। आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है। मैंने तोफ़ू ले रखा है, तोफ़ू जो छाई चाउज़र। तो ये देखो, इसको लिया, इसमें उसको डिप किया और खा लिया। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया में तोफ़ू स्टाइल बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे स्टीम होता है तो हमारे इंडिया में स्टीम होता है, यहाँ बारबेक्यू होता है तो इंडिया में बारबेक्यू होता है, यहाँ पे यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे फिलिंग और सर्विंग स्टाइल का डिफरेंस है। जैसे हम इंडिया में हम कैबेज भरते हैं, चिकन भरते हैं, ये भरते हैं, बस अपने पास इंडिया में 4-5 ही रहेगा स्टफिंग, बट यहाँ पे बहुत सारा है। जैसे यहाँ पे पोर्क हो गया, बीफ हो गया और फिश हो गया, ये सब मिलता है यहाँ पे। और साथ में इनका सर्विंग स्टाइल ये होता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि सर इंडिया में हम ग्रीन चटनी खाते हैं, लाल चटनी खाते हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ विनेगर, चिली फ्लेक्स, स्प्रिंग अनियन, ये सब मिलेगा आपको, जो कि मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो 23 और तो मेरे को 20 पड़ा। अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, बट यहाँ के लिए इतना एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पर जाके आप चाउसा खा रहे हो। यहाँ पे आपको 15 yuan का भी चाउसा मिलेगा, 20 yuan का मिलेगा, बस पीस का फर्क पड़ेगा। जैसे आपको 15 yuan में आपको 10 पीस मिलेगा, और अगर अच्छी जगह जाओगे तो आपको बहुत महंगा भी पड़ेगा, जैसे 40-50 yuan का पड़ेगा जो 10 पीस मिलेगा उसमें। तो देखा जाए तो यहाँ का चावसा बहुत हेल्दी है, मुझे हेल्दी लगता है चावसा, अच्छा खाने में। ये मैंने जूस 23 yuan का लिया, ये भी वाटरमेलन का जूस 23 yuan, मतलब पीने का हो गया 230 रुपये का। सब को डिपेंड करता है कि कैसा है, महंगा या सस्ता है, बट मेरे को यहाँ के लिए लगता है कि महंगा रहेगा। पहले यहाँ के लोग ही ओके हैं, तो मज़ा इंडिया से कंपेयर करोगे तो यहाँ महंगा है, मतलब 230 yuan का, ये भी वो भी कितना 500 ml रहेगा जूस में भी। वीडियो यही दी एंड करते हैं, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स वेट एंड वॉच।